प्रिंसेस नियान गोकू और वेजिटा से कहती है कि वो अपने ट्रू पावर्स को शो करें, क्योंकि वो जानती है जितना वो दिखा रहे हैं वो उससे ज्यादा पावरफुल है। वो बस तसल्ली करना चाहती है। वेजिटा थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम हमारा टेस्ट ले रही हो? इसके बाद तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम हमारा साथ नहीं देना चाहती हो? इस पे नियान कहती है, ज़ेनोसामा को किंग बोरिया ने मार दिया, मल्टीवर्स 4 का किंग ऑफ एवरीथिंग। मेरे मल्टीवर्स पर मल्टीवर्स 2 के किंग एरकन ने कब्जा कर लिया है, और इन सब का मतलब बस यही है कि बोरिया और एरकन के बीच में बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है, जिसमें नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है। तुम सब यहाँ हो, इसका मतलब तुम लोग ये रोकना चाहते हो, और मैं भी अपने मल्टीवर्स को बचाना चाहती हूँ, उन्हें हराना चाहती हूँ। फिर वो थोड़ा और सीरियस हो जाती है और कहती है, तुम मुझे अपने ट्रू पावर्स दिखाओ, ताकि मुझे तसल्ली हो कि मैं तुम्हारे साथ लड़कर उन्हें हरा सकती हूँ, तुम पर भरोसा कर सकती हूँ, ताकि मैं तुम्हारा साथ दे सकूँ। और चिंता मत करो, बाहर कोई भी इसे सेंस नहीं कर पाएगा, ये जगह एक तरह से सील्ड है। फिर गोकू कहता है, कोई बात नहीं प्रिंसेस, हम समझ सकते हैं, हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। गोकू वेजिटा का नाम लेता है और फिर उसकी तरफ देखता है। वेजिटा थोड़ा स्माइल करता है और तब हम देखते हैं दोनों पावर अप करने लगते हैं, ताकि वो प्रिंसेस नियान को अपने ट्रू पावर्स दिखा सके। गोकू और वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाते हैं। कैनन उनके पावर्स को सेंस करके थोड़ा घबरा जाता है और ये देखने जाता है कि ये किसका है। नियान भी उनके पावर्स को सेंस करके थोड़ा हैरान थी। हालांकि गोकू और वेजिटा ने अब तक अपने ट्रू फॉर्म को शो नहीं किया था। नियान कहती है, ये पावर तो बहुत ज्यादा है, ये कैनन के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। ये कंफर्म करते हुए कैनन कहता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये लोग मेरी तरह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें पावर्स मेरे से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? नियान कहती है, ये सब बहुत ही कमाल है, मल्टीवर्स 1 के वॉरियर्स के पावर्स ने मुझे बहुत हैरान कर दिया है। गोकू कहता है, ऐसा क्या, लेकिन ये हमारे ट्रू पावर्स नहीं है। तभी हम देखते हैं कैनन ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुमने ओमनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी अचीव कर लिया है? तभी वेजिटा कहता है, चुप हो जाओ और देखो हमारे ट्रू पावर्स को। वो थोड़ा स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि हम तुम्हारे अपोनेंट्स नहीं थे। नियान कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो और पावर्स पोजेस करते हैं। गोकू बताता है, हम दोनों को हमारे यूनिवर्स के गॉड्स और एंजल्स ने धोखा देकर हमें टाइम चेंबर में लॉक कर दिया था। हमें वहाँ पर बहुत समय मिल गया था ट्रेनिंग करने का। हमने ट्रेनिंग करके इस फॉर्म को अचीव कर लिया, लाखों सालों तक ट्रेनिंग की। फिलहाल हम इस फॉर्म को 20 मिनट तक ही यूज कर पाते हैं। तभी हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अपने पावर्स बढ़ाने लगते हैं, जिससे पूरा एरिया हिलने लगता है। अगले ही पल आसमान भी लाल होने लगता है। नियान सोच में पड़ जाती है, ये किस तरह के पावर है, मैं कुछ इवल सेंस कर रही हूँ। गोकू और वेजिटा ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं और नियान को अपना ट्रू फॉर्म दिखाते हैं, जिसके तुरंत बाद ही वो बेस फॉर्म में वापस आ जाते हैं। सभी ये देखकर शॉक थे। कैनन ये देखकर हैरान था कि दो सैयंस प्रिंसेस नियान के पावर्स को सरपास कर चुके हैं। इन सब के बाद वेजिटा कहता है, तो कैसा लगा तुम्हें हमारे ट्रू पावर्स को देखकर? जैसा तुमने कहा था हमने वैसा ही किया, अब तुम्हारी बारी है, हमें सब कुछ बताओ, और ये भी कि हमारी मदद कैसे करने वाली हो। नियान थोड़ी देर शांत रहती है और फिर सवाल करती है, पहले मुझे ये बताओ तुम्हें ये पावर्स कैसे मिले? वेजिटा समझाता है, कभी भी एक सैयन को कम समझने की भूल मत करना, ये मैं सभी से कहता हूँ, पर उन गॉड्स ने हमें कमजोर समझने की भूल की, हमें टाइम चेंबर में लॉक कर दिया था। उन्हें लगा था वो हमें ऐसा करके खत्म कर देंगे और ज़ेनोसामा को पता भी नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा उन्होंने ये सब बहुत अच्छे से प्लान किया था, लेकिन हमने टाइम चेंबर का फायदा उठाकर ट्रेनिंग करके खुद को और ताकतवर बनाया और बाहर निकलकर उनसे बदला लिया। तभी गोकू वेजिटा को बीच में रोकते हुए कहता है, रुक जाओ वेजिटा, तुम इसे ऐसे बता रहे हो जैसे हम विलन्स हैं। तभी नियान सवाल करती है, क्या तुमने अपने मल्टीवर्स के गॉड्स को मार दिया? वेजिटा जवाब देता है, बिल्कुल सही कहा, हम उन्हें जिंदा कैसे छोड़ सकते थे। गोकू भी सहमति देते हुए कहता है, ये सच है, उन्होंने हमें धोखा देकर लॉक कर दिया था, उसने हमारे एक दोस्त और वेजिटा के वाइफ को भी मार दिया था, क्योंकि वो उनके खिलाफ हो गए थे। वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है, उन्हें लगा था कि वो गॉड्स हैं, इसीलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, दूसरों की जान उनके लिए कोई कीमत नहीं रखती थी, लेकिन जो भी हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेगा उसे हम नहीं छोड़ेंगे, उस बोरिया को भी नहीं, उसे इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये सब कुछ उसका ही प्लान था। ये सुनकर नियान कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन
लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। तुमने अपने मल्टीवर्स के गॉड्स और एंजल्स को मार दिया तो तुम हमारे लिए भी खतरा हो सकते हो। तुम पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। गोकू समझाता है, हमारा भरोसा करो नियान, हम अच्छे लोग हैं। हमने उन्हें मारा क्योंकि वो हमारे लिए खतरा हो गए थे, और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे पूरे मल्टीवर्स के लिए। तो ऐसा करना जरूरी हो गया था। नियान कहती है, सुपर ड्रैगन बॉल्स के ड्रैगन ने तुम सबको यहाँ लाया ताकि तुम्हें मदद मिल सके और हमें भी, लेकिन मोर्टल्स जो गॉड को मारते हैं वो पापी होते हैं, मुझे बस इतना ही पता है। तभी हम देखते हैं गोहान को होश आ गया था। गोहान फिर बाकियों के पास जाता है। गोकू गोहान को देखकर खुश हो जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो गोहान? गोहान कहता है, फादर मुझे माफ करना, मैं कैनन को नहीं हरा पाया। गोकू कहता है, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। कैनन पावरफुल है, ये मैं शुरू से जानता था, और मैं ये भी चाहता था कि तुम भी अपने पावर्स को समझो, मुझे तुम पर नाज है। गोहान कहता है, थैंक्स फादर, मैं अब और ट्रेनिंग करूंगा और स्ट्रांग बनूंगा, आप देख लेना। फिर वो कैनन से कहता है, कैनन मैं तुमसे फिर फाइट करना चाहता हूँ, और तब तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। कैनन कहता है, जरूर मैं भी तुमसे दोबारा लड़ाई करना चाहूंगा, मुझे इंतजार रहेगा। नियान कहती है, ठीक है फिर, अब तुम्हारे बेटे को होश आ चुका है, इसीलिए अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर गोहान शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, क्या? लेकिन क्यों? अब तक हमारा मकसद पूरा भी नहीं हुआ है। कैनन कहता है, प्रिंसेस ये आप क्या कह रही हैं? ये भी वही हासिल करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, तो अच्छा होगा कि हम उनके साथ मिलकर ये करें। इस पे नियान कहती है, कैनन मेरे ऑर्डर्स पर सवाल खड़े मत करो। कैनन को थोड़ा अजीब लगता है और वो चुप ही रहता है। वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या करो, हम ये खुद कर लेंगे, हम यहाँ बस इसीलिए आए थे क्योंकि पिकलो के अंदर का ड्रैगन हमें यहाँ लेकर आया था। अगर उन्हें हमारी मदद नहीं करनी है तो हमें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ रहकर बस हमारा वक्त बर्बाद होगा। गोकू एग्री करता है और कहता है, सही कहा वेजिटा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। गोहान पिकलो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। कैनन घबरा जाता है और नियान से कहता है, प्रिंसेस क्या आप सच में ऐसा चाहती हैं? हम ऐसे ही वॉरियर्स का इंतजार कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तब नियान कैनन को समझाती है, गॉड्स का मर्डर करना पाप है, और जो ऐसे पाप करते हैं हम उनके साथ काम कैसे कर सकते हैं, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं समझाना चाहती हूँ। कैनन भी समझाता है, प्रिंसेस उनकी अपनी वजह रही होगी, और क्या आप हमेशा ऐसे ही रहना चाहती हैं? किंग एरकन ने जब से इस मल्टीवर्स पर कब्जा किया है तब से हम छुप कर ही रह रहे हैं, उसने आपकी माँ को भी मार दिया, हमें अब तो कुछ करना ही होगा। नियान गुस्सा करते हुए कहती है, चुप हो जाओ कैनन, हमें और इंतजार करना होगा। कैनन भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, मल्टीवर्स वन के वॉरियर्स क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? नियान शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो कैनन? कैनन उसे इग्नोर करते हुए आगे कहता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझसे जो भी होगा मैं करूँगा। इस पे वेजिटा कहता है, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? तुम स्ट्रांग हो, हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन एक बार फिर सोच लो। इस पे गोकू कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम एक वॉर में जा रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि हमारे साथ और ताकतवर साथी हो, जिनकी मदद से हम दुश्मन को हरा सके, क्योंकि दुश्मन भी बहुत ताकतवर है और हम मान सकते हैं कि दुश्मन के साथी भी ताकतवर होंगे। नियान बहुत कंफ्यूज थी और सवाल करती है, कैनन क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? तुम मेरे ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर रहे हो, तुमने ऐसा पहले कभी नहीं किया, तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्या सोच रहे हो? कैनन बहुत सीरियस होकर जवाब देता है, आप भले ही इस मल्टीवर्स की प्रिंसेस हैं, लेकिन इस वक्त आप डरपोक से कम नहीं, आप इन्हें पापी कह रहे हैं, लेकिन आप ये भूल रही हैं कि एरकन उन गॉड्स को सपोर्ट कर रहा था जिन्होंने आपके पूरे परिवार को मार दिया, और अब हमें ढूंढ रहा है ताकि हमें भी मार सके। अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहती हैं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप भी मुझे रोकने की कोशिश ना करें। ये वॉरियर्स जो हमारी मदद मांगने आए हैं वो बहुत ताकतवर है, ये आप भी देख चुकी हैं, ये एक उम्मीद से आए थे क्योंकि इनके साथ भी वही हुआ जो आपके साथ और मेरे साथ हुआ है, और आप इन्हें पापी कह रही हैं और इनकी मदद करने से इनकार कर रही हैं, पर मुझे कुछ भी गलत नहीं लग रहा है, मैं इनका साथ देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है इनका साथ देकर मैं अपने मल्टीवर्स को बचा सकता हूँ और अपना बदला भी पूरा कर सकता हूँ। कैनन गोकू और वेजिटा के पास जाता है और कहता है, हमारे यहाँ से निकलते ही एरकन के आदमी हम पर हमला करने लगेंगे, एरकन के लोग इस मल्टीवर्स में फैले हुए हैं, हमें संभल कर जाना होगा। वेजिटा कहता है, ठीक है लेकिन अब यहाँ से जल्दी चलो। प्रिंसेस नियान कहती है, कैनन तुम ऐसे कभी फैसला नहीं करते हो, एक बार अच्छे से सोच कर देखो, तुम गलत भी हो सकते हो। तभी कैनन कहता है, मेरे पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं है प्रिंसेस, पर आपको इनसे सच्चाई छुपाने के लिए शर्म आनी चाहिए। नियान घबरा जाती है, अब क्योंकि
कैनन हमेशा प्रिंसेस नियान के साथ रहता था और उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन अभी के लिए कैनन के लिए ये जरूरी था कि वो अपने मल्टीवर्स को एरकन के कब्जे से आजाद करे और क्वीन का बदला ले। नियान थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है, ठीक है, अगर तुम अभी मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। कैनन उसे इग्नोर करके मुड़ जाता है। तब गोकू कैनन से पूछता है, तो कैनन बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। कैनन बताता है, पहले हमें उस कैसल में जाना होगा जिसमें इस मल्टीवर्स की क्वीन रहती थी। वेजिटा सवाल करता है, ठीक है, लेकिन हम उस कैसल में जा क्यों रहे हैं। कैनन बताता है, उस कैसल में एक स्टाफ है जो हमारी मदद में आ सकती है, उसकी मदद से हम एक मल्टीवर्स से दूसरे मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। वेजिटा कहता है, पिकलो के अंदर जो ड्रैगन है उसने हमें यहाँ लाया था, तो हम फिर से उसकी मदद ले सकते हैं। ये सुनकर पिकलो उसे बताता है, शायद ऐसा मुमकिन नहीं है, ड्रैगन ने हमें यहाँ लाने के लिए अपनी पूरी ताकत का यूज कर लिया था। मैं अब उसकी एनर्जी को फील नहीं कर पा रहा हूँ, शायद उसे रिकवर करने में समय लगेगा। उसने बताया था दाइशिनकेन ने उसके आधे पावर्स भी ले लिए थे। गोहान कहता है, मैं भी ड्रैगन के पावर्स को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ और हम उसके भरोसे वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। अगर वो स्टाफ हमारे काम आ सकता है तो हमें जल्दी करना चाहिए। कैनन कहता है, सही कहा, और यहाँ भी सुपर ड्रैगन बॉल्स है, अगर कुछ गलत होता है तो हम उन्हें भी इकट्ठा कर सकते हैं और एक विश मांग सकते हैं। गोकू हैरान होकर कहता है, क्या यहाँ भी ड्रैगन बॉल्स हैं? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हम उन्हें गैदर कर सकते हैं, वो भी हमारे काम ही आएंगे। तभी वेजिटा कहता है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उन्हें ढूंढने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें दो टीम बना लेने चाहिए। गोहान और मैं ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ लेंगे, कैनन, पिकलो और कैकोरोट तुम लोग उसे स्टाफ को हासिल करो। कैनन कहता है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, तुम्हें ये भी नहीं पता है कि ड्रैगन बॉल्स कहाँ है। वेजिटा सवाल करता है, क्या तुम्हारे पास कोई ट्रैकर नहीं है। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस नियान जो उनकी बातें सुन रही थी और कैनन के बातों को सोच रही थी, वो कहती है, मैं वेजिटा और गोहान के साथ जा सकती हूँ ड्रैगन बॉल को ढूंढने। इतना कहने के बाद वो एक ट्रैकर निकालती है। कैनन सवाल करता है, क्या सच में आप ऐसा करना चाहती हैं। प्रिंसेस नियान कहती है, मैं इस मल्टीवर्स की प्रिंसेस हूँ और मैं तुम्हें ये अकेले करने नहीं दे सकती हूँ, मैं भी इस मल्टीवर्स को बचाना चाहती हूँ और मैं तुम्हें मरने भी नहीं दे सकती हूँ। तभी हम देखते हैं नियान कैनन को एक ब्रेसलेट देती है और फिर कहती है, तुम उनकी मदद करना चाहते हो ये अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना मैंने तुम्हें मरने का ऑर्डर नहीं दिया है, वादा करो तुम जिंदा वापस आओगे। कैनन हैरान था और कहता है, ये ब्रेसलेट तो क्वीन का है, मैं ये नहीं ले सकता, पर मैं आपसे वादा करता हूँ मैं नहीं मरूंगा। नियान उसे समझाती है, चिंता मत करो, एरकन को खत्म करने के बाद तुम ये मुझे वापस कर देना, तब तक के लिए तुम इसे अपने पास रखो, ये तुम्हें हिम्मत देगा। तभी वेजिटा कहता है, क्या तुम लोगों की बातें खत्म हुई, हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। कैनन वेजिटा की बात समझता है और नियान से कहता है, वेजिटा सही कह रहा है, हमें जल्दी करना होगा और ये ब्रेसलेट मैं संभाल कर रखूंगा और अपना वादा भी पूरा करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कैनन, गोकू और पिकलो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वेजिटा कहता है, अब हमें भी जल्दी करना चाहिए। नियान उन्हें बताती है, सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढते हुए हमें बहुत से पावरफुल बींग्स का सामना करना पड़ सकता है। गोहान कहता है, अच्छा है, हम तैयार हैं। इसके बाद नियान वेजिटा और गोहान के साथ वहां से डिसअपीयर हो जाती है।